तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, जिनको साल में 4 फिल्में करनी होती हैं, और उन्हीं में से एक फिल्म जिसकी आज चर्चा हमारे इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों, फिल्म का नाम है गोरखा। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले फिल्म के पोस्टर रिलीज़ किए गए थे, जिनमें से एक पोस्टर जिसमें अक्षय कुमार को बाकी बटालियन के साथ में चिल्लाते हुए दिखाया गया है, और दूसरा पोस्टर जिसने तो भैया आग ही लगा दी। पोस्टर्स में अक्षय कुमार और उनकी खुकरी को बराबर दिखाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस खुकरी और गोरखा बटालियन का इतिहास देख लेते हैं, जिसे फिल्म के पोस्टर में इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। दरअसल दोस्तों, बात 19वीं शताब्दी की है, जब ब्रिटिश सरकार ने अपना व्यापार फैलाकर तिब्बत ले जाने का मन बनाया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने नेपाल के गोरखा सैनिकों की एक अलग रेजिमेंट बनाई। उसके बाद से गोरखा न सिर्फ दोनों वर्ल्ड वॉर में लड़े, बल्कि आज़ादी के बाद से भारत के हर एक सैनिक अभियान में इनका बड़ा योगदान रहा है, जिसके बाद से उन्हें बहुत सारे वीरता पुरस्कार भी मिले हैं। दोस्तों, गोरखा आमने सामने की लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, और इनकी खुकरी दुश्मन का काम तमाम कर देती है। दोस्तों, गोरखा एक ऐसी विरासत है जो कई पीढ़ियां पार करके 21वीं सदी तक चली आई है, और इनकी खुकरी गोरखा युद्ध परम्परा की जान है। इतने सारे आधुनिक हथियार के बावजूद खुकरी गोरखा का भरोसेमंद हथियार होती है। एक गोरखा सिपाही की पहचान खुकरी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोलता है या फिर वो एक गोरखा सिपाही है। तो दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट ने आज़ादी के बाद से इंडियन आर्मी के लिए कई सारे युद्ध लड़े हैं, जिनमें 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का इंडो पाकिस्तान वॉर एंड 1971 का वॉर महत्वपूर्ण है, जिनमें गोरखा सैनिकों ने अपना अहम योगदान दिया। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट एक ऐसी सैनिक टुकड़ी का नाम है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, आज के समय इंडियन आर्मी में करीब 32,000 गोरखा सैनिक मौजूद है, जिनको कड़ी परीक्षाओं से गुजरने के बाद गोरखा सैनिक बनाया जाता है। तो दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट क्या है, अब आप भली भांति जान गए होंगे, इसीलिए तो दोनों पोस्टर्स में अक्षय कुमार से ज़्यादा गोरखा रेजिमेंट की खुकरी को दिखाया गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक गोरखा सैनिक के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों, जब अक्षय कुमार ने फिल्म के पोस्टर्स को हम सबके साथ साझा किया, उसके बाद एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो कि गोरखा रेजिमेंट के हैं, उन्होंने ट्वीट किया इस पोस्टर पे और लिखा कि कुछ गलतियां हैं पोस्टर्स में, उसको प्लीज़ सुधारिए। जिसमें रिप्लाई करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, मैं इन गलतियों को ज़रूर सुधारूंगा, और आप जो भी गोरखा रेजिमेंट के बारे में बारीकी से जानते हैं, उसको लेकर कोई सजेशन अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा, हम लोग रियलिटी में इस फिल्म को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गोरखा फिल्म को संजय चौहान जी डायरेक्ट करने वाले हैं, और यह फिल्म एक रियल गोरखा सैनिक पर बेस होने वाली है, जिनका नाम है मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो। दरअसल दोस्तों, 1971 के भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध में मेजर जनरल इयान और उनकी एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को और अफसरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया, और उन्हें बंदी बना लिया गया। तो दोस्तों, इसी रियल स्टोरी पर बेस होने वाली यह पूरी फिल्म, जिसमें अक्षय कुमार का लुक पूरी तरह से चौंका देने वाला होगा। और दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि देशभक्ति पर बन रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाने वाली है, और ऑडियंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि 2022 में हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, फिल्म को लेकर अपने विचार जरूर शेयर करें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो के साथ में।